हमारे एनआरएचएम में सभी मेडिकल पैरा, हमारे एनआरएचएम में सभी मेडिकल पैरामेडिकल एडमिन सारा स्टाफ है जो कि एक रेगुलर डिपार्टमेंट में होता है। इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एएनएम है, एलटीज हैं, और हमारे यहाँ मेन टीबी डिपार्टमेंट भी हमारे साथ ही अटैच किया हुआ है। और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉई ऐसे हैं जो 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं और जो 20-20 साल से एनआरएचएम में सर्विस दे रहे हैं। एनआरएचएम का नाम हर 5 साल में बदल दिया जाता है, पहले आरपीएच होता था, फिर इसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया, फिर इसको एनएचएम बना दिया, एनयूएचएम बना दिया इसको, तो सरकार हर 5 साल में इसका नाम चेंज कर देती है इस प्रोग्राम का। लेकिन हमारी मुख्य मांगे, मेन मांग हमारी यही है कि स्वास्थ्य विभाग में ना सभी डिपार्टमेंट को हमारे यहाँ जैसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, हम लोग भी यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल में सबको उसमें जो के हमारे एमसीडी का स्टाफ है वो इनके इक्वलेंट है, एएनएम स्टाफ नर्स डॉक्टर है, उन सबको नवंबर 2011 से सेम वर्क सेम पे मिल रहा है, और डीएचएस वालों को भी मिल रहा है। ओनली एक एनआरएचएम का ही ऐसा स्टाफ है, मेडिकल पैरामेडिकल एडमिन स्टाफ, जिसको सेम वर्क सेम पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद बार बार आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से कि हम आपको इस साल फाइल मूव कर रखी है सेम वर्क सेम पे के लिए, फिर हमें घुमा दिया जाता है कि फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल लगा देते हैं उसमें, फिर कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, फिर फाइल चलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने अभी, हमने लास्ट टाइम जनवरी में स्ट्राइक की तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे बीच आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग रेगुलर से भी ज़्यादा काम करते हो और हमारी सरकार इस बात को मानती है, और आपने हमारे स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में काफ़ी सुधार हुआ आप लोगों के कारण, तो मैं आपको 17 मार्च तक आपको सेम वर्क सेम पे दिल्ली सरकार आपको दिलाएगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। तो उनके आश्वासन पे हम लोग जनवरी में उठ गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो पंजाब इलेक्शन में बिजी हो गए, तो हम बार बार मंत्री जी से मिले और अपना सीएम साहब से भी मिले, केजरीवाल साहब ने, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि आप लोगों को मिलेगा, हम देंगे, हमारी सरकार काम कर रही है, आपको रेगुलर करेंगे, वो करेंगे। तो हमने कहा जी रेगुलर तो सरकार जब करेगी, लेकिन तब तक कम से कम समान कार्य समान वेतन तो दिया जाए, क्योंकि जो और डिपार्टमेंट्स हैं एमसीडी और वो, उनको सबको विद बेनिफिट समान कार्य समान वेतन मिल रहा है, और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा जो जितने भी हैं, वो उनकी रवैया हमेशा उदासी नहीं रहा है, उन्होंने कभी भी अपने एम्प्लॉयज के लिए नहीं सोचा है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि दिल्ली में हमारे कुछ कर्मचारी जो 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, वो मिनिमम वेज से भी नीचे सैलरी पे हैं। जो आज दिल्ली में मिनिमम वेज 18,000 रुपये फिक्स कर दी गई है, उन लोगों की 18,000 रुपये भी सैलरी नहीं है 20 साल काम करने के बाद। तो इससे आपको पता चल सकता है कि हमारा जो विभाग है हमारे लिए क्या कर रहा है, और जो हमारे अधिकारी हैं, एक हमारी एसपीओ है 9 साल से उसको बिठा रखा है, और उसकी ना ही कोई ट्रांसफ़र हो रही है और ना ही वो हमारे लिए जो काम होता है उसमें भी कुछ ना बीच में अपना कुछ ना कुछ अड़ंगा अटका देती हैं, जिसके कारण जितने मिशन डायरेक्टर और हेल्थ सेक्रेटरी हैं सभी वही बात करते हैं जो वो करती है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि हमें भी और लोगों की तरह जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य रहता है उनकी तरह तमाम कार्य समान वेतन दिया जाए, जिससे ये लोग भी समाज में अपना अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति और अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएँ और जिसके हकदार हैं ये।